हेलो दोस्तों, उल्टी आना प्रेगनेंसी का एक अहम लक्षण होता है। साथ ही अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाएं इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। कुछ प्रेग्नेंट महिला की यह दिक्कत प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के बाद खत्म हो जाती है, पर कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को ये समस्या बनी रहती है। ऐसे में यदि प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज्यादा उल्टी की परेशानी हो रही है तो कुछ घरेलू तरीकों से आप इससे बच सकते हैं, आप इसे निजात पा सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रही हूँ कि अगर आपको ज्यादा उल्टी की परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी उल्टी बंद हो जाए और आपका शरीर सही रहे। पहला तो है नींबू। पानी में थोड़ा नमक और नींबू का रस डालकर आप पिया करें, इससे उल्टी की परेशानी दूर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रोजाना सुबह गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर पीना भी उल्टी रोकने का एक असरदार उपाय है। उसके बाद आंवले का मुरब्बा। रोजाना आंवले का मुरब्बा खाने से प्रेग्नेंट महिला को उल्टी की परेशानी को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही यदि आपको ऐसा लगे कि आपको उल्टी आने वाली है तो तुरंत आंवले का मुरब्बा खाएं, आपको राहत मिलेगी। उसके बाद काले चने का पान। दोस्तों, अगर आपको ये परेशानी ज्यादा हो रही है तो आप रात में अच्छे से चने को पहले धो लें, उसके बाद उसको साफ पानी में डाल दें, रात भर भिगो दें, सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप खुद देखेंगे आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा। उसके बाद तुलसी और शहद। प्रेगनेंसी में उल्टी की समस्या अधिक होने पर थोड़ा सा तुलसी के पत्तों का रस और शहद मिलाकर चाटें। ऐसा करने से आपको उल्टी की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद पुदीना। पुदीने के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस को शहद के साथ मिलाकर उंगली के माध्यम से चाट सकती हैं। आप खुद देखेंगी कि उल्टी की समस्या से आपको निजात मिल जाए। संतरे का रस। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि उल्टी हो रही है, मन कर रहा है, तो संतरे का रस का सेवन करें या संतरे को खा सकते हैं। उसके बाद दालचीनी। एक कप पानी में थोड़ी सी दालचीनी डालकर अच्छे से उबाल लें। अब उस पानी को ठंडा होने पर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं। उसके बाद छान कर इस पानी का इस्तेमाल करें। प्रेग्नेंट महिला अगर ऐसा करती है तो उन्हें तुरंत उल्टी से बचे रहने में मदद मिलेगी। उसके बाद दही। गर्भावस्था में दही का सेवन करने से प्रेग्नेंट महिला को बहुत फायदे मिलते हैं। साथ ही दही का सेवन करने से प्रेग्नेंट महिला को उल्टी की परेशानी से भी बचे रहने में मदद मिलती है। दही के अलावा छाछ में काला नमक डालकर पीने से उल्टी से आराम मिलता है। उसके बाद लौंग। प्रेग्नेंट महिला को उल्टी आने का मन अगर होता है तो उस समय उन्हें एक लौंग अपने मुंह में रख लेना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि आपको इस समस्या से निजात मिल जाए। उसके बाद जीरा का सेवन। पानी में जीरा डालकर अच्छे से उबाल लें। अब इस पानी को ठंडा होने दें और दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पिएं। आप खुद देखेंगे उल्टी की समस्या नहीं। उसके बाद दोस्तों, पानी का भरपूर सेवन। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में पानी की कमी प्रेग्नेंट महिला को नहीं होना चाहिए, ये भी एक उल्टी का कारण बन जाता है। अगर आप अच्छे से पानी पीती हैं तो आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। इसके अलावा आप नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ का सेवन कर सकती हैं ताकि उल्टी की समस्या से बचा जा सके। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे जरूरी चीज मैं बता रही हूँ, उल्टी ज्यादा मॉर्निंग में होता है, तो आप ये करें कि सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश हों, हाथ मुंह धोएं, उसके बाद ही कुछ करें। आप फ्रेश होने में देर नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप खुद देखेंगी आपको उल्टी की समस्या नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।